हेलो एवरीवन, आप इस वीडियो में जानेंगे कि कंप्यूटर पढ़ाते हुए या यूज़ करते हुए कौन से जेंडर एंड डिसएबिलिटी इश्यूज़ आते हैं। जेंडर एंड डिसएबिलिटी इश्यूज़, जेंडर इश्यूज़ में क्या आएगा, मेल एंड फीमेल का डिफरेंशिएशन आएगा। डिसएबिलिटी इश्यूज़ कहाँ आएंगे, जब कोई डिसेबल व्यक्ति, एक विकलांग व्यक्ति कंप्यूटर को पढ़ाएगा या यूज़ करेगा, राइट। जेंडर एंड डिसएबिलिटी इश्यूज़ कैन अराइज वाई टीचिंग एंड यूजिंग कंप्यूटर्स इन वेरियस वेज, राइट। तो कंप्यूटर पढ़ाते हुए या यूज़ करते हुए जेंडर एंड डिसेबिलिटीज इश्यूज बहुत तरीक़ों से आ सकते हैं। फर्स्ट आपका क्या है, एक्सेस, राइट। सम पीपल मे फेस बैरियर्स टू एक्सेस कंप्यूटर्स और द इंटरनेट ड्यू टू द लैक ऑफ द रिसोर्सेज। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत रुकावटों का सामना करना पड़ता है कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, ड्यू टू द लैक ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि इतने रिसोर्सेज उनके पास नहीं है। जैसे बहुत सारे रूरल एरियाज़ हैं, ओके, रिमोट एरियाज़ हैं, हिली एरियाज़ हैं, ओके, जहाँ पे कंप्यूटर्स को यूज़ करना इतना आसान नहीं है, फाइन। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उन लोगों के पास, बिल्डिंग्स नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, स्किल्स एंड सपोर्ट नहीं है वहाँ पे। जैसे अलग जैसे क्या होता है, अर्बन एरियाज़ में इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पे आप सीख सकते हो कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करना है, कैसे यूज़ करना है, वहाँ पे ऐसे इंस्टीट्यूट्स नहीं है। वहाँ पे स्कूल्स हैं, वो भी बहुत एक प्रिविलेज्ड वाली बात है, सपोर्ट नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, कंप्यूटर्स यूज़ करना, इंटरनेट यूज़ करना उन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, वीमेन एंड गर्ल्स मे हैव लेस एक्सेस टू द कंप्यूटर्स देन मैन एंड बॉयज ड्यू टू सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, गर्ल्स होती है, जो वुमेन्स होती है, वो उनके लिए कंप्यूटर एक्सेस करना एज कम्पेयर टू द बॉयज ज़्यादा डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब देखो, आप शहरों में देखोगे तो यहाँ पे बहुत इक्वलिटी है, बट आप विलेजेस में चले जाओगे वहाँ पे इतनी इक्वलिटी नहीं है। वहाँ पे गर्ल्स जो होती हैं वो स्कूल्स भी आई थिंक बहुत मुश्किल से जा पाती हैं, और थोड़ा मतलब क्या करते हैं वो विलेजेस की क्या मेंटेलिटी होती है। अभी तो देखो हर जगह सब बहुत से लोग बहुत ब्रॉड माइंडेड हो चुके हैं, बट जो पहले से जो एक कल्चर चला आ रहा है कि गर्ल्स को आप घर का काम सिखाओ, फिर उनकी मैरिज कर दो, राइट। तो इस टाइप के कल्चर में क्या होता है, बॉयज़ को ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू द गर्ल्स, ओके। कल्चरल नॉर्म्स, वही जो सेट ऑफ बिहेवियर है, बिलीफ है, राइट, लोगों का सोसाइटी में, वो चलता आ रहा है। और सेफ्टी कंसर्न्स, या फिर लोग सेफ्टी कंसर्न्स से नहीं भेजते अपनी गर्ल्स को, मान लो कंप्यूटर सीखना है, ओके, स्कूल में अवेलेबल नहीं है, बट आसपास कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है वो सिखा रहा है, तो वहाँ पे भी लोग सोचते हैं कि नहीं, अपनी बेटियों को भेजें या ना भेजें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अर्बन एरियाज़, राइट। ये क्या होता है, जो रिमोट एरियाज़ हैं, हिली एरियाज़ हैं, जहाँ पे देखो बहुत ऑर्थोडॉक्स, मतलब ऑर्थोडॉक्स तो क्या कहेंगे, बट बहुत पुराना कल्चर फॉलो किया जाता है, राइट। तो वहाँ पे सेफ्टी कंसर्न से भी गर्ल्स को नहीं ज़्यादा इस तरफ भेजा जाता कि आप कंप्यूटर सीखो या कुछ और सीखो, इसके बजाय उनको कहा जाता है आप घर का काम करना सीखो, राइट। सिमिलरली, पीपल विद डिसएबिलिटीज मे हैव लेस एक्सेस टू द कंप्यूटर्स। यही क्या होता है, विकलांग लोगों के साथ होता है, वो कंप्यूटर्स को बहुत ईजिली एक्सेस नहीं कर सकते देन द पीपल विदाउट द डिसएबिलिटीज, ओके, एज कम्पेयर टू द पीपल जिनको कोई डिसएबिलिटी नहीं है ड्यू टू द फिजिकल, क्योंकि उनका फिजिकल जो होता है प्रॉब्लम, उसकी वजह से। सेंसरी प्रॉब्लम जिनको होती है, सेंसरी में क्या होता है, जैसे मान लो उनका कोई सेंसरी ऑर्गन वर्क नहीं कर रहा है, उनकी साइट प्रॉपर नहीं है, हियरिंग प्रॉपर नहीं है, या स्मेल, टच, टेस्ट, ये जो जितने भी प्रॉब्लम्स आती है सेंसरी के अंदर आती हैं, राइट। कॉग्निटिव प्रॉब्लम है, कॉग्निटिव प्रॉब्लम क्या होता है, चीज़ों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, राइट। इस केस में वो कंप्यूटर को इजीली यूज़ नहीं कर सकते, ओके। एंड एटीट्यूडिनल बैरियर्स, एटीट्यूडिनल बैरियर्स क्या होता है, बिहेवियरल बैरियर्स होते हैं, ओके, जहाँ पे क्या होता है, खुद के अजम्पशंस बना लेते हैं लोग, राइट, खुद के परसेप्शंस बना लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या है, इस वजह से गर्ल्स के लिए और डिसेबल पीपल के लिए कंप्यूटर्स को एक्सेस करना बहुत डिफिकल्ट है, राइट। नेक्स्ट क्या है आपका, रिप्रेजेंटेशन। सम पीपल मे फेस स्टीरियोटाइप्स और बायसेस इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर जेंडर और डिसएबिलिटी इन कंप्यूटर रिलेटेड कंटेंट, मीडिया और कम्युनिकेशन, राइट। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको स्टीरियोटाइप या बायसनेस का सामना करना पड़ता है। स्टीरियोटाइप क्या होता है, स्टीरियोटाइप होता है घिसीपिटी या धारणा, ठीक है, घिसीपिटी या आप कह सकते हैं रूढ़ीवादी विचार, राइट। तो यहाँ पे बायसनेस का सामना करना पड़ता है, ओके, जब किसकी बात आती है, कंप्यूटर रिलेटेड कंटेंट की आती है या मीडिया की आती है या कम्युनिकेशन की आती है। अब ये कैसे होता है, देखो, फॉर एग्जाम्पल, वीमेन एंड गर्ल्स मे बी अंडर रिप्रेजेंटेड और मिस रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर साइंस एजुकेशन।
करियर्स और रोल मॉडल्स। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जब बात आती है कंप्यूटर साइंस एजुकेशन की, करियर्स की या रोल मॉडल्स की कंपनीज में, मोस्टली देखो स्कूल्स में तो आप देखोगे आपको कंप्यूटर साइंस मोस्टली टीचर्स ही, लेडी टीचर ही आपको पढ़ाती मिलेगी और बहुत अच्छा पढ़ाती मिलेगी, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो कंपनीज होती है वहाँ पे क्या होता है, जो मेल होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, राइट, और जो फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं उनको अंडर रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अंडर रिप्रेजेंट किया जाता है मतलब उनको एक हाई लेवल, जैसे मेल्स को होता है उनको हाई लेवल पे उनको प्रेजेंट किया जा रहा है, फाइन, यहाँ पे फीमेल को नीचे रखा जाता है एज़ कम्पेयर टू द मेल, राइट। जहाँ पे साइंस एजुकेशन की, कंप्यूटर साइंस एजुकेशन की बात है, करियर्स की बात है, रोल मॉडल्स की बात है, सिमिलरली पीपल विद डिसेबिलिटीज मे बी अंडर रिप्रेजेंटेड और मिस रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर रिलेटेड इमेजेस, स्टोरीज एंड पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, मान लो कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, उसे अपना एड देना है, तो वो क्या करेगा, किसी अच्छे से क्वालिफाइड, मतलब कोई अच्छा सा चेहरा एज अ मॉडल लेगा, वो किसी भी डिसेबल पर्सन को अपने ऐड का फेस नहीं लेगा, राइट। तो यही बताया जा रहा है कि रिप्रेजेंटेशन में भी किसी भी फील्ड में, चाहे वो कंपनी फील्ड हो या कंप्यूटर साइंस एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड हो, ओके, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, मेल जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट किया जाता है एज़ कम्पेयर टू द फीमेल कैंडिडेट्स एंड डिसेबल पर्सन, राइट। देखो मैं जो कहूँगी ना वो इतना अब नहीं है, ये पहले तो होता होगा बट अभी मुझे नहीं लगता है कि इतना होता है, क्योंकि आजकल गर्ल्स हर फील्ड में है, ओके, बट ये आपका एक 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 छोटा सा टॉपिक दिया गया है पढ़ने के लिए, आपके सिलेबस में डाला गया है, तो ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं थे और हो सकता है कुछ जगह ये पॉइंट्स अभी भी हों, राइट। तो इसको आप पढ़ो, और अगर ये टॉपिक आता है तो आप ऐसा लिख सकते हो कि हाँ एक्सेस में प्रॉब्लम आती है, जो गर्ल लेडीज़ होती हैं और डिसेबल लोग होते हैं उनको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता ढंग से एज़ कम्पेयर टू द अदर पीपल, राइट, ओके। नेक्स्ट आपका है पार्टिसिपेशन, राइट। सम पीपल मे फेस डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन इन द पार्टिसिपेशन ऑफ कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज़। कुछ लोगों को डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, भेदभाव का सामना करना पड़ता है, एक्सक्लूजन का, उनको इग्नोर किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है, ओके, जब किसकी बात आती है, कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ को करने की बात होती है, सच एज लर्निंग, कंप्यूटर को लर्न करना, पढ़ाना, राइट, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग और यूजिंग कंप्यूटर्स, या कंप्यूटर, जैसे मोस्टली क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बॉयज़ होते हैं, बोला जाता है बॉयज़ आर बेटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, बट आई डोंट थिंक सो, कि गर्ल्स भी बहुत अच्छी होती हैं प्रोग्रामिंग में, बट ऐसा कहा जाता है, क्योंकि क्या होता है, देखो 80% बॉयज़ आ गए, 20% गर्ल्स आ गई, तो वहाँ पे अपने आप डिस्क्रिमिनेशन हो गया, राइट, ओके। फॉर एग्जाम्पल, वीमेन एंड गर्ल्स में फेस हैरेसमेंट और हॉस्टिलिटी इन कंप्यूटर साइंस क्लासरूम्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और वर्कप्लेस। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वुमेन एंड गर्ल्स, जो लड़कियाँ होती हैं, औरतें होती हैं, उनको हैरेसमेंट को फेस करना पड़ता है, राइट, ओके, हॉस्टिलिटी को, हॉस्टिलिटी को मीन्स उनको एक शत्रुता का को फेस करना पड़ता है, शत्रुता इन द सेंस अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी तो उनको पीछे हटा दिया जाता है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस क्लासरूम हो, ऐसा वैसे होता नहीं है, मैंने 12 इयर्स पढ़ाया है, अभी पढ़ा रही हूँ, कंप्यूटर साइंस क्लासरूम में ऐसा कुछ नहीं होता, फिर भी यहाँ लिखा हुआ है तो होता होगा, कुछ स्कूल्स में होता होगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बॉयज़ को, ऑल दो जो मेरा, जो मैंने देखा है, अभी मैं 12 इयर्स मेरे हो चुके हैं पढ़ाते हुए, तो जो क्लासेस होती हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसमें लड़कियाँ अच्छे से पढ़ रही होती हैं, बॉयज़ कम ध्यान देते हैं, फिर भी अगर बॉयज़ ये देख रहे हैं तो बुरा ना माने, बट बच्चे बॉयज़ थोड़े होते हैं नोटी होते हैं, राइट, गर्ल्स थोड़ी सिंसियर होती हैं, ओके। तो यहाँ पे लेकिन ये कहा गया है कि साइंस क्लासरूम, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या वर्क प्लेसेस पे क्या होता है, गर्ल्स को डिस्क्रिमिनेशन का, हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, उनको लेस पार्टिसिपेट किया जाता है कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। सिमिलरली पीपल विद डिसेबिलिटीज़ में फेस इन एक्सेसिबिलिटी और इनविजिबिलिटी इन कंप्यूटर रिलेटेड करिकुला, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सर्विसेज। ऐसे ही सेम जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनके लिए, जो उनके लिए ये जो कंप्यूटर्स है उसको एक्सेस करना मुश्किल है, राइट, और कंप्यूटर करिकुला या सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर सर्विसेज को वो इजली उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मान लो किसी को विजन में प्रॉब्लम है या हेयरिंग में प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर फॉर्मेशन या हार्डवेयर में उसको क्या होगा, जो डिसेबल पर्सन होगा उसको उस पर्टिकुलर चीज़ को हैंडल करने में प्रॉब्लम आएगी, राइट।
नेक्स्ट है आपका एम्पावरमेंट. सम पीपल में फेस चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज इन द एम्पावरमेंट ऑफ देयर जेंडर और डिसएबिलिटी थ्रू कंप्यूटर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, राइट. कुछ लोगों को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ओके, जिसके अंदर क्या कहाँ पे एम्पावरमेंट करने के लिए, मतलब अपने 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 आप को ऊपर उठाने के लिए, राइट. जहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, डिसेबिलिटी प्रॉब्लम है, वहाँ पे कंप्यूटर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज में अपने आप को पावरफुल करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ को और चैलेंजेस को फेस कर, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए, चैलेंजेस को फेस करने के लिए, राइट, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, वीमेन एंड गर्ल्स में यूज़ कंप्यूटर्स टू चैलेंज जेंडर नॉर्म्स. यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो वीमेन और गर्ल्स हैं, मतलब औरतें और लड़कियाँ हैं, वो कंप्यूटर्स का यूज़ कर सकती हैं जेंडर नॉर्म्स को चैलेंज करने के लिए. जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको चैलेंज करने के लिए, एक्सप्रेस देयर आइडेंटिटीज, अपनी आइडेंटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए, और एक्सेस इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटीज, और इंफॉर्मेशन और अपॉर्चुनिटीज को एक्सेस करने के लिए, उनको लेने के लिए, ओके. सिमिलरली पीपल विद डिसएबिलिटीज में यूज कंप्यूटर्स टू एनहेंस देयर एबिलिटीज. ऐसे ही जो डिसेबल पर्संस होते हैं वो कंप्यूटर का यूज़ करें अपनी एबिलिटीज़ को एनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट देयर नीड्स, अपनी नीड्स को बताने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, और एडवोकेट फॉर देयर राइट्स, और अपने राइट्स के लिए लड़ने के लिए, फाइन, ओके. देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एड्रेस जेंडर एंड डिसएबिलिटी इशूज़. तो जेंडर एंड डिसएबिलिटीज इशूज़ के ऊपर इसीलिए बात होनी चाहिए, इसलिए उसको एड्रेस करना चाहिए, राइट. एड्रेस करना क्या होता है, उसके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए वाइल टीचिंग एंड यूजिंग कंप्यूटर. जब आप कंप्यूटर्स पढ़ा रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, बाय अडॉप्टिंग अ जेंडर सेंसिटिव, आपको जेंडर सेंसिटिव एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जहाँ पे दोनों इक्वल हो, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों इक्वल हों, एंड डिसएबिलिटी इंक्लूसिव अप्रोच. और डिसएबिलिटी इंक्लूसिव अप्रोच मीन्स वहाँ पे डिसेबल लोगों के लिए एक ऐसा अप्रोप्रिएट एटमोसफियर होना चाहिए, राइट, जिसमें वो आसानी से काम कर सकें. डेट रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, राइट, जहाँ पे क्या हो, डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट हो, मतलब डाइवर्सिटी मीन्स मेल फीमेल, ओके, डिसेबल एबल, उन सब में उन सब की रिस्पेक्ट हो. कोई जितना भी देखो, हर इंसान इक्वल नहीं है, हर किसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, राइट. तो ऐसा एटमोसफेयर हो जहाँ पे डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट हो, प्रमोट्स इक्वलिटी, और इक्वलिटी को प्रमोट किया जाए, एंड एंश्योर एक्सेसिबिलिटी, और एक्सेसिबिलिटी को एंश्योर किया जाए कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, डिसेबल हो एबल हो, वो आसानी से कंप्यूटर्स को पढ़ सके या पढ़ा सके, ओके. ओके एवरीवन, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.